तो यह जो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है, तो हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, आप इसको देखें। जैसे सबसे पहली बात यह है, मान लेते हैं ये एक ग्राउंड है और ग्राउंड में आप देखते होंगे कि किसी ब्लॉक को अगर एक धागा से बांध करके आप इस डायरेक्शन में खींचिए, ठीक है, तो क्या ये ब्लॉक आपको इस डायरेक्शन में मूव करना चालू होगा? नहीं ना। आप जिस डायरेक्शन में इसको खींच रहे हैं वहाँ ये नहीं जाता है, बल्कि ये आगे की ओर आपका मूवमेंट करेगा, ठीक है। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहे हैं, है ना, इसका मूवमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हो करके किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इससे साफ पता लगता है कि आपको जानना होगा कि आप जितना फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना, तो उसका कितना जो कंपोनेंट है, जो हिस्सा है, वो इस डायरेक्शन में आया, क्योंकि काम तो यही कर रहा है ना। तो आपको यह जानना होगा इसका जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में कितना है। तो इसके लिए आपको रिजोल्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए आप रिजोल्यूशन को सीखते हो। और ये कैसे होता है ये देखो। सबसे पहले कोई भी अगर एक वेक्टर दिया हुआ रहे, मान लेते हैं ये वेक्टर 5 न्यूटन या 5 मीटर पर सेकेंड है और हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है। रिजॉल्व करने का नियम ये है कि आप इसके टेल को देखें। हम सुविधा के लिए दो बार इसी डायग्राम को बना रहे हैं, ठीक है। तो जब आप टेल को यहाँ पर देखते हैं, है ना, तो अब हम यूजर हैं, स्टूडेंट हैं, है ना। एक स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है कि वो इस टेल से किस प्रकार का कोऑर्डिनेट एक्सेस को ये ड्रा करते हैं। आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और अगर आप चाहें तो इसी एक्सिस को किसी और तरह से ले सकते हैं, जैसे इस तरीका से। तो आप ले सकते हैं, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ही कहलाएगा। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो दोनों में क्या होगा, वेक्टर में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, समझे, ये वेक्टर और वो वेक्टर सेम है। आपने केवल क्या किया, आपने एक स्टूडेंट ने इस तरीका से अपने आवश्यकता के अनुसार कोऑर्डिनेट एक्सिस को सेट किया, दूसरे ने वैसे सेट किया, है ना, अपनी अपनी जरूरतें हैं। इससे यह होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर मान लो कि ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इनके साथ एंगल आपका बदल जाएगा, ठीक है। उस केस में जब आप यहाँ पे इसको कंपोनेंट में तोड़िएगा, तो उसका भी एक नियम है। नियम ये है कि जैसे अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनियस आपका 5 न्यूटन है और ये थीटा आपको निकालना है, समझे। तो देखो, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो तो अल्टीट्यूड कहलाएगा, है ना, और जिसके साथ यह एंगल बन रहा है वो तो आपका बेस कहलाएगा। तो अगर हम चाहें कि अल्टीट्यूड को निकालें, है ना, आखिर ये कैसे निकलेगा, तो अल्टीट्यूड को निकालने के लिए आप यूज करते हो साइन थीटा इज इक्वल टू अल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, है ना, ठीक है। अब अगर इसमें अल्टीट्यूड को निकालना हो तो आप हाइपोटेनियस और इनको गुना करते हैं, यानी कि आपका जो अल्टीट्यूड होगा वो हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कॉस थीटा का यूज करते हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आता है बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो इसमें आप बेस को निकालो, तो बेस को निकालोगे तो क्या आएगा, बेस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, समझ में आया। यानी कि देखिए, आपको यहाँ पर
दो टेक्निक दिया गया कि अगर आपको हाइपोटेनियस मालूम हो तो इस हाइपोटेनियस की सहायता से आप अल्टीट्यूड को भी निकाल सकते हो और बेस को भी निकाल सकते हो, है ना। अल्टीट्यूड को निकालने के लिए आपको जो दिया गया हाइपोटेनियस है उसमें साइन थीटा से, और बेस को निकालने के लिए हाइपोटेनियस में कॉस थीटा से गुना करना होगा। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही सोचें, जैसे ये एक वेक्टर है ना, जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर आप इसके हेड से एक्स और वाई पर बिल्कुल दो परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जहाँ पर आएंगे तो वह हिस्सा जो होगा वो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को शो करेगा। तो ये आपका दो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया वाई एक्सिस में, एक हो गया एक्स एक्सिस में, है ना। आप ध्यान दें, ये वाला जो भी हिस्सा होगा वो यहाँ पर इसके बराबर है और ये 90 डिग्री है। तो एक तरह से राइट ट्रायंगल वाला केस आ गया ना, हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है ना, हाँ, और थीटा भी दिया हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपको ये अल्टीट्यूड निकालना है। तो रूल के अनुसार ये जो 5 है, इस 5 में हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अल्टीट्यूड निकल जाएगा, और इसी तरीका से इसी 5 में हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बेस निकल जाएगा, है ना। तो ये कंपोनेंट को हम इधर लिख देते हैं, 5 साइन 30 डिग्री। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो 5 है ना, इसका दो कंपोनेंट हुआ, एक ये वाला कंपोनेंट हुआ 5 कॉस 30 डिग्री, और ये क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो लिखेंगे हम लोग आई कैप, फिर प्लस क्या आ जाएगा 5 साइन 30 डिग्री, और ये वाई एक्सिस में है तो ये लिखा जाएगा जी कैप। हम लोग इसको सॉल्व आगे कर सकते हैं, यानी ये जो 5 होगा तो इसका वैल्यू आप पुट करो, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 आएगा, जबकि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, और इस तरीका से यह जो 5 होगा 5√3/2 आई कैप और 5/2 जे कैप होगा। और इस तरीका से हमने देखा कि ये जो 5 था इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, है ना। यह जो कंपोनेंट है इसमें आई दिया गया है यानी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, इसमें जे दिया गया है यानी ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, और ये आपका रिजोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, उल्टा का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा आप इसको ऐसे सोचें कि मान लीजिए एक कंपोनेंट इसका दिया हुआ है 3 एक्स एक्सिस में, और एक कंपोनेंट दिया हुआ है 4 वाई एक्सिस में। समझ में आया। मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है और इस वेक्टर में एक कंपोनेंट 3 है जो एक्स एक्सिस में है, और एक कंपोनेंट 4 है जो वाई एक्सिस में है, है ना। और अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो इसका मतलब होगा कि आपको यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट को मिला करके जो बीच वाला जो वेक्टर है ना, आपको ये निकालना है, यानी आपको एक तरह से हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। तो जब कंपोनेंट की सहायता से उस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो दरअसल आप हाइपोटेनियस निकालते हो, इसलिए 3² + 4² कर करके यहाँ पे रिजल्ट 25 आएगा, जिसका वैल्यू 5 आ जाएगा, है ना। तो आपने दोनों चीज़ देखा, आपने ये भी देखा कि अगर कोई वेक्टर हमको दिया हुआ रहेगा तो हम इसको एक्स और वाई में तोड़ भी सकते हैं। और आपने अभी अभी देखा, यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ हो कंपोनेंट के फॉर्म में, है ना, तो उस कंपोनेंट की सहायता से हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल भी सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। देखो, जब ये 4 है और ये थीटा है तो आप इसमें निकाल दो, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आएगा। तो इस तरीका से आपने यहाँ पर
एंगल को भी निकाल दिया। समझ में आया ना? तो इस तरीका से हम देखते हैं कि इस तरीका के ऑपरेशंस होते हैं। अब अगर हम लोग इसमें आ जाएं, अगर हम लोग इस हिस्से में आ जाएं, तो इस हिस्से में हम क्या देखते हैं, इस चीज को भी थोड़ा क्लियर कर लें। इस हिस्से की खूबी ये है कि इसका जो कंपोनेंट है वो आपको बदल जाएंगे। देखिए, इतना जो दूर x कंपोनेंट आएगा वो लिखिए 5 cos 60 degree, क्योंकि ये बेस है ना, और ये आपका अल्टीट्यूड हुआ, तो इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट आप लिखिएगा ये हो जाएगा 5 sin 60 degree, यानी यहाँ कंपोनेंट आपका बदल जाएगा, आ जाएगा 5 cos 60 degree i cap प्लस 5 sin 60 degree j cap। बस इसको आप सॉल्व कीजिए, आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम लोग रिजोल्यूशन कर सकते हैं, है ना, और रिजोल्यूशन जब करेंगे तो एक्सिस हम लोग अपने मन से लेंगे। एक्सिस को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा देने से या लेने से वेक्टर में बदलाव नहीं होगा, लेकिन हाँ, उस वेक्टर का लिए गए एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन होगा, एंगल होगा, उसमें बदलाव होगा, और उसमें बदलाव होगा तो जो कंपोनेंट्स होंगे ना उसमें भी बदलाव होंगे। एक बात और, कोई भी वेक्टर को आप मैक्सिमम 3 कंपोनेंट में बांट सकते हैं, और ये जो 3 कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ज़्यादा में आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस तरीका से हमारा ये वेक्टर का रिजोल्यूशन ख़त्म होता है।